आप हमारे डेस्क पे देख रहे हैं, एक बोर्ड आपको नज़र आ रहा है। पार्ट नंबर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, जीनस का है 13302-1। डेल का बोर्ड होता है। इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि इसमें नो डिस्प्ले का केस था। तो चूंकि ये डेल का फिफ्थ जनरेशन का बोर्ड है, तो डेल का जब फर्स्ट से लेके फिफ्थ जनरेशन तक का बोर्ड होता है और उसमें प्रॉब्लम आती है कि बोर्ड तो ऑन हो रहा है बट नो डिस्प्ले का केस है, तो हम स्पीकर लगाते हैं और स्पीकर लगा के हम क्या सुनते हैं, बिप। तो क्या बिप आ रहा था इसमें? 7 बिप का प्रॉब्लम, 7 बिप आ रहा था। तो जब भी हमारे पास 7 बिप का प्रॉब्लम आता है, तो जनरली ये जो बोर्ड है आपका, है ना, 35-42 की कैटेगरी का बोर्ड है ये, है ना। तो डेल के बोर्ड में जब 7 बिप का इशू आता है, तो सबसे पहला सेक्शन जो हमें चेक करना चाहिए, वो सबसे पहला सेक्शन पता है कौन सा होता है? LPC, सबसे पहला LPC। तो आप यहाँ पर देखिए, ये जो बोर्ड है कोई हमने रिपेयर नहीं किया है, है ना। ये स्टूडेंट्स हैं हमारे, नाम बताइए। आशीष। आप? बन्नी। कहाँ से हैं? नागपुर। आप? नोएडा। नोएडा, है ना। तो ये इनके पास बोर्ड आया था, तो इन्होंने खुद से रिपेयर किया। अब रिपेयर क्या क्या है मैं दिखा रहा हूँ आपको। संयोग से क्या थी, आज इनकी क्लास भी चल रही थी, नो डिस्प्ले के केस में हम कैसे सिक्वेंसली चेक करते हैं। तो हमारी जो क्लास हुई थी वो कहाँ ख़त्म हुई थी? LPC क्लॉक पे जाके, उसके आगे की क्लास अभी हमने कल पे रखी थी। तो देखिए, जब इनके पास ये बोर्ड आया, तो जैसे कि इनको पता है कि जब भी कोई बोर्ड आता है किसी भी केस में, तो सबसे पहले फिजिकली हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने फिजिकली चेक किया, तो आप देख सकते हैं ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, कुछ ट्रैक जो हैं ये घिसे पिटे ट्रैक नज़र आ रहे हैं। अब ये कौन से ट्रैक थे? हमारे LPC के ट्रैक हैं, ये हमारे LPC के ट्रैक हैं। तो आप देख सकते हैं LPC का ट्रैक है, ऐसा लग रहा है कि पहले कभी ये रिपेयर हुआ था, है ना, पहले कभी रिपेयर हुआ था। तो प्रॉब्लम यही आ रही थी कि इसमें नो डिस्प्ले था और 7 बिप आ रहा था, है ना। तो सबसे पहले इन्होंने LPC का इम्पीडेंस चेक किया। इम्पीडेंस हमने कहाँ चेक किया था? आयो चिप पे, है ना। इम्पीडेंस चेक किया तो हमारा जो ये LPC की जो डाटा पिन है वहाँ तो इम्पीडेंस ओके आ रहा था। फिर हमने बोला कि एक बार इसको चेक करते हैं, जो प्रीवियस सीक्वेंस होता है LPC से पहले का वो चेक करते हैं। तो हमने क्या चेक किया, बैक साइड करिएगा ज़रा, वो रजिस्टर बताइए, LPC क्लॉक जहाँ पे हमने चेक किया था, LPC क्लॉक हमने कहाँ चेक किया था? ये रजिस्टर क्या था? तो क्लॉक बिल्कुल परफेक्ट था, LPC के क्लॉक में कोई इशू नहीं था, क्लॉक बिल्कुल परफेक्ट था। रैम का डिटेक्शन नहीं हो रहा था, हमने जब रैम के HDSCL पाथ पे देखा, दिखाइए HDSCL पाथ। यहाँ पर क्या था कि इनको केवल गाइडेंस मिल रहा था, तो इस हिसाब से चेक कर रहे थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हीट सिंक के बगल में आपको Q1801 आपको दिख रहा है, ये ड्यूल मॉस्फेट है, रैम का HDSCL पाथ है ये। इस पे भी इन्होंने पल्स चेक किया, तो किसी भी तरह का कोई पल्स नहीं मिल रहा था, मतलब रैम का डिटेक्शन नहीं होने का यही कारण था। तो फिर इसके बाद प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुआ ये खुद बताएंगे। बताइए कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया, क्या था इशू? चिप सेलेक्ट की जो ट्रैक है वो डैमेज थी। उसके बाद चिप सेलेक्ट मतलब इसको आप LPC फ्रेम कहते हो। अब हो गया ये चिप सेलेक्ट का, CS का पिन हो जाता है 10-11 जनरेशन में। इसको देखिए, जो ट्रैक अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे दिख रहा है जम्पर, कहाँ जम्पर किया आपने? ये ट्रैक का जम्पर, आप देखिए यहाँ पर ये ट्रैक का इशू था, मतलब ये जो रजिस्टर उसके बगल वाला ट्रैक है ना ये, हाँ, ये आपका फ्रेम का ट्रैक है, इस पे आपको इशू था। यहाँ पे इन्होंने जम्पर कर दिया, जम्पर कर दिया तो हमारा डिस्प्ले आ गया, है ना। तो डिस्प्ले एक बार दिखा दीजिए इस बोर्ड में, अभी ये सीख ही रहे हैं, अभी इनका कोर्स कवर नहीं हुआ है, अभी एटलीस्ट 1 मंथ का कोर्स अभी बाकी है। तो अभी देखिए यहाँ पर एम्पियर हमारा यहाँ पर आया, डिस्प्ले दिखाइए, ये देख सकते हैं बोर्ड पे डिस्प्ले आ चुका है, है ना। मेन बात यह है कि जिनका ये बोर्ड था, जो स्टूडेंट बोर्ड लेके आया था, वो अपना चला गया कहीं, इन दोनों ने बोला कि चलो एक बोर्ड आया तो हम यहाँ पर रिपेयर करते हैं। तो जब ये इस बोर्ड पे लगे, तो थोड़ा बहुत गाइडेंस के साथ इन्होंने बोर्ड को रिपेयर कर लिया है। प्रॉब्लम इसमें कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं है, ये आपको मतलब LPC की प्रॉब्लम थी। LPC पे हम इतना जल्दी नहीं जाते हैं, अगर नो डिस्प्ले का केस होता है तो जनरली लोग क्या करते हैं, नो डिस्प्ले के केस में सारे कॉइल की सप्लाई चेक कर लिया, बायोस कर लिया, रैम रिप्लेस कर लिया, मतलब जनरली इतना ही करते हैं मार्केट में अगर जाएं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, अगर आप सीख के करते हो किसी चीज़ की रिपेयरिंग,
तो उसमें आप थोड़ा कॉन्सेप्ट वाइज चलते हो, तो यहाँ पर फॉल्ट भी क्या था, कॉन्सेप्ट वाइज था, है ना, है ना। तो यहाँ पर आपका एलपीसी का इशू था, हमारा यहाँ पर बोर्ड इन्होंने रिपेयर कर लिया है और डिस्प्ले आ गया है।